हाँ बिल्कुल, एक बात है, जब अजीत पवार ने बीजेपी की यह लाइन है कि बांटेंगे कटेंगे, तो अजीत पवार ने हमला किया कि महाराष्ट्र में नहीं चलता। तो इसके मतलब यह है कि एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं वहाँ पर। और जिस तरह से नवाब मलिक का कैंडिडेचर है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार करने से मना कर दिया कि भले एकनाथ की शिवसेना का कैंडिडेट हो, एलआई हो, लेकिन वो प्रचार नहीं करेंगे। तो महायुति की तो बड़ी अंदरूनी लड़ाई है, भयंकर लड़ाई है। तो क्या मोदी जी का मतलब है कि ये लड़ रहे हैं, एक रहें तो उन्हें सेफ रहेंगे, क्या इधर ही सारा है? मोदी जी उसको आगे बताएं कि क्या मतलब है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि बोर्ड डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल तक महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी को फॉलो करना है या औरंगजेब के पाप को फॉलो करना है। महाराष्ट्र, इसका जवाब दे दिया अजीत पवार ने इनके एलआई में कि महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, तो शिवाजी भी चलेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता भी चलेगी, और बम्बई एक आर्थिक राजधानी है वो रहेगी। बम्बई एक महाराष्ट्र एक विकसित प्रदेश है वो भी चलेगा, और ये जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं चलेगा। सर, हेमंत सोनिया गांधी से गुजारिश की है। सर, सोनिया गांधी से और शर्मा की, राहुल गांधी जो है अनगाइडेड मिसाइल है, आप उनको कुछ करिए। ये धृष्टता है। हेमंत बिस्वा शर्मा, तो आरएसएस से अपील हेमंत बिस्वा शर्मा करें कि मोदी जी को, योगी जी को और इनको हेमंत गाइड करें कि जिस तरह से कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे और लड़की छीन ले जा उठा ले जाएंगे। झारखंड में ये बोला, बेटियां उठा ले जाएंगे। तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी एक फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, नेता हैं, या नहीं कि मैं उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ इस नाते से, क्योंकि मैंने दोनों दलों को देखा, वो देश देख रहा, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन। और हेमंत बिस्वा शर्मा उनके पांव के जूती के बराबर ही रहे हैं, और बकवास करने की उनकी आदत है कि रोज कोई ना कोई विवादित बयान देकर के खबरों में रहना चाहते हैं। बल्कि मोदी जी से कहूंगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा को समझाएं कि रोज जो विवाद खड़ा कर देते हैं वो ये विवाद खड़ा करना बंद करें।